देखिए हमने यहाँ पे गाय का गोबर से जो कंडे बनते हैं वो लिए हैं और यहाँ पे हमने निरमा पाउडर लिया है। तो ये दोनों को मिलाकर हमारा ये जो गंदा बर्तन है ये देखिए ये बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। इसको कई जगहों पर कंडा बोलते हैं, कई जगहों पर छेना बोलते हैं और कई जगहों पर इसको उपला बोलते हैं। तो हम ये दोनों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये देखिए ऐसे मिक्स करना है, ये मिला लेते हैं। ये देखिए अच्छे से देखिए मिल गया हमारा जो राख और निरमा एक साथ मिल गया है। तो आइए इसको साफ़ करते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से कर लिया है। अब इसको हम धो के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हमारा लोटा बिल्कुल चकाचक हो गया है, एकदम बिल्कुल सुंदर।